गोल्डी बराड, जो पहले कत्ल करता है और फिर उसे बताना अपनी शान समझता है। देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है और ये शख्स गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास दोस्त है। बिश्नोई गैंग का सबसे भरोसेमंद आदमी, ऐसा शख्स जो बिश्नोई गैंग को विदेशों में फैला रहा है और देश में अपराध करके दहशत फैला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन लॉरेंस का ये सबसे खास आदमी सात समंदर पार से हत्याएं करवा के भी खुली हवा में घूम रहा है और इसी के जरिए लॉरेंस सारे काम करवा रहा है। गोल्डी बराड पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। साल 1994 में जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा सतविंदर सिंह। पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। बेटे को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन सतविंदर उर्फ गोल्डी ने तो अपनी अलग ही राह चुन ली थी। दरअसल गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड की हत्या हो जाती है और इस हत्या का बदला लेने के लिए गोल्डी क्राइम का रास्ता चुन लेता है। गोल्डी गैंगस्टर्स के संपर्क में आता है। जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई से भी इसकी मुलाकात होती है और फिर गोल्डी अपने भाई के कत्ल के आरोपी कांग्रेस नेता गुरलाल पहलवान की हत्या करवा देता है। इस हत्या के बाद गोल्डी फटाफट स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भाग जाता है। इसके बाद ये कनाडा से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। कनाडा में बिश्नोई गैंग के तार फैलाना, पाकिस्तान में डीलिंग करवाना, मॉडर्न हथियारों की सप्लाई, ये सारे काम गोल्डी ही देखता है। गोल्डी बराड ए प्लस कैटेगरी का गैंगस्टर है। इसके खिलाफ पंजाब में कई मामले दर्ज हैं जो इसने कनाडा में बैठकर करवाए हैं। पुलिस के मुताबिक गोल्डी चेहरा बदल बदल कर कनाडा में रहता है ताकि पकड़ में ना आ सके। पुलिस के पास इसकी पांच अलग अलग रूपों की तस्वीरें हैं। इस गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। बीच में इसकी गिरफ्तारी की खबरें भी आई थी, लेकिन बाद में वो सिर्फ अफवाह निकली। ये भी खबरें हैं कि गोल्डी बराड पिछले कुछ समय में कनाडा छोड़कर अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहुंच चुका है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इसे डर था कि कनाडा में इसकी हत्या भी हो सकती है, इसलिए इसने अपनी जगह को बदलना मुनासिब समझा। दोस्तों, गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा दोस्त होना अच्छी बात है या फिर ऐसा दोस्त होना अपनी जान मुसीबत में डालना है? आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।